अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रगून अमानुल्ला और आप लोग देख रहे हैं जान की अमान पाऊँ। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हाँ, इस जगह पर कभी मेरे वालिद अमानुल्ला साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वह इतने आया करते सन, लोगों नू हसांदे सन। तो तुहानूं पता है लोगों नू हसाना किस कदर औखा काम है। मैं जो इस फील्ड से आई हाँ मैं हूँ अंदाजा होया लोगों नू हसाना इन्ना मुश्किल काम है। मेरी तो कसम खुदा दी मत बज गई, लोग हसते ही नहीं अगों कोई करो गल अगों इस तरह ही पता नहीं की अजीब जो काम है। खैर मैं मेरे वालिद साहब मैं पूछा कि अबू वो कोई मैंने कोई दिन दसो जो तुहानू बड़ी मुश्किल पेश आई हुए लोगों को हसाते हुए कोई स्टेज शो से। तो वालिद साहब ने एक वाकया शेयर किया मेरे नाल कि वालिद साहब शो कर रहे सन, उन्होंने कॉल आई तो कॉल दसिया गया कि तुहाडे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो हूँ उस दौर से टिकट जो है वो मेरे वालिद अमानुल्ला के नाते विकती सी, हूँ वह परेशान। तो मैं हूँ अंदाजा होता है कि जिदा प्यो फौत हो जाए वफात हुई हो कार से मैयत पई हो कितना औखा है उस हाल से लोगों को हसाना। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे अमानुल्ला साहब ने उस हालत से शो किया, मैनू अज एहसास हो रहा है कि वह कितने मुश्किल से होंगे कि उन्होंने लोगों को हसाया। लोगों को हसाना कोई बड़ा कोई सौखा काम नहीं है, बहुत औखा काम है। तो मजे की गल की है कि मेरे वालिद साहब को हसाने का शौक सी नहीं, मेरे वालिद साहब उन्होंने असल च सिंगिंग का शौक से, उन्होंने गाने का शौक से। मैं पूछा मैं क्या तुहानू सिंगिंग का शौक से तुसी गए नहीं? पुत्र उस वक्त बड़ा मुश्किल से हसाना ना उस वक्त उस काम से आमदन सी। तो उस वेले सिंगर होंदे सन अनैसन पट्टी साहब तो आलम लोहार साहब। आलम लोहार साहब का पता है किस तरह गाते सन, आ हा 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 लोग डरते सन की हो गया की कह लगे सुनो इनू ऐ आलम सी वक्त का। खैर तो हूँ मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम से टुरन लगी हाँ, दुआ करो जान की अमान पाऊँ मेरा पहला शो है। तो उन्होंने जगह तो कोई भी नहीं लै सकता, उन्होंने औलाद भी नहीं, मगर मैं हाँ कोशिश जरूर करांगी मैं। तो अज मैं इतने आके एक वाक्य याद आया, अं 14 भैन भरा एक दिन असं सारे कट्ठे हो गए थे, अबू भुख लगी कुछ खाने असं, अबू सानू लै गए कैंटीन से, ऐ मेरे बच्चे ने ऐ जो मंगन इन्हों दो। कैंटीन वाले ने कहा ठीक है, असी 14 भैन भरा ने सारी कैंटीन लुट ली, असी खाली महीने बाद लख रुपया बिल बन गया। मेरे अब ने सर पढ़ लिया कहता है बच्चे ने या जूझ मजूज जम लेने मैं तो आओ असी अंदर चलने उन्होंने साथी दोस्त। तो यकीन करो इस जगह की अज भी उ खुशबू है जी मैं बचपन से कभी आया करती सी। तो इतने आके मेरी यादा बड़ी ताज़ा हो रही ने, तो आओ चलने अंदर उन्होंने बेलिया ना कोई मज़ा करने कोई गपशप करने जुगत शुगत करोंगे अल्लाह कराम करे चलो मेरे नाल। अज भी वही जगह है, अज भी वही थिएटर है, बचपन के दिन मैं याद आए ने इत्थे। चलो मैं हूं ना ही बहुती माइकल जैक्सन बना, आवाज मेरी भंडा वर्गी है, आओ फिर अंदर चलिए। कैंटीन होंगी सून भी इतने कैंटीन, यकीन करो असं 14 भैन भरा तो वालदा असी इतने आ के डेढ़ डेढ़ लाख रुपया बिल एक महीने का बिल असं भैन भरा बहुत खाते स बस आओ इतने तो कैंटीन है, इतने तो आदम ही बहुत है इतने ओ ही कैंटीन है। वो कैंटीन वाले मिलने पूछने मैं उन्होंने याद भी है वहाँ कि नहीं, मैं लगता नहीं हूँ तो मर मुड़ गया होगा कैंटीन वाला। आओ मिलने उन्होंने पूछने उन्होंने फ्रिज सी याद आ गया मैं एह फ्रिज हों ठंडिया शजाना बोतल पी के बचपन के दिन आए मेरे मौला। आओ अगे चलिए इतों एक बर्गर मिलता सी, बर्गर मिलता सी हूँ इतने नहीं बदल गए कैंटीन का स्टाफ बदल गया है। मैं पहचान दो मैं याद है तुहानू नहीं आ याद कोई मैं पहचान दिया कोई मैं पहचान ही नहीं। चलो किस्मत होंगी ना हर बंदे की, चलो कोई गल नहीं इतों एक बर्गर लभदा सी याद है इस तरह खाकी जे लफाफे जे माशाल्लाह जरा गौर करो रूसी आंटी होंगी है। आओ अगे चलिए आओ ए ओही जगह है ओही मशीन अज भी ओही माइक्रोवेव सारा कुछ ओही अज भी ओ बस यादा ही रह गई ने बंदे वो कट गए ने। तो कैंटीन वाले मैं याद है उस लख रुपये का गुस्सा जोड़े मेरे अबे ने नहीं सी दिता। आओ अगे टुरीए अगे चलिए जन्म जन्म की मैली चादर बचपन दिया यादा मेरिया मैं अज भी यह याद है लेकिन इन्ना नहीं याद कि मैं एक्सप्लेन करा अगे चल ए भी मैं बिल्कुल नहीं याद की है इतने अगे चलो वापस चलिए ए पार्किंग होंगी सी इतने मेरे वालिद मेरे अबू इतने गड्डी पार करते सन मैं याद है इतने एक जगह सी बड़ा खुला मैदान जहाँ से उत्थे कुकड़ियाँ बकरे। आओ कोशिश करा कि इतने अस जाइए
मगर रात बड़ी है खास साहब लोग ना मस्कीना के बच्चे डरते बहुत आ अंदर चल नसीम मिक्की साहब के कोल आए जी गल करांगे इन्हां नूं पुछांगे कि हाल है वाले साहब दीआं मिठीआं यादां नूं याद करांगे जी विक्की भाई की हाल है ठीक हो ठीक ठाक जरगोन बेटा तू सुना ठीक ठाक है शुक्र अल्लाह दा बस मौला दा बड़ा करम है अल्लाह दा और सुनाओ ठीक ठाक मैं ठीक बेटा जबरदस्त फर्स्ट क्लास वाले साहब दी कोई प्यारी याद तो कोई शेयर करो कोई मेरे नाल को ना दी एक याद नहीं मेरे नाल तो ना दी बहुत यादा ने मतलब मैं जदों दा पहले दिन फील्ड च आया सी ते मेरा पहला ड्रामा ही अमान साहब दे नाल सी फैसलाबाद रूप तेरा बहरूप मेरा ते मैं उन्होंने जदों फर्स्ट टाइम पहली जुगत कीती ते बगैर किसी एंट्री तो कीती सी ऑडियंस ने फरमाइश कीती सी के अपना विक्की नूं बुलाओ जदों खान साहब की एंट्री होगी ना स्टेज के उत्ते खान साहब नूं खड़े होकर लोगों ने क्लैप की 1200 बंदा बैठा सी फैसलाबाद गए सन ते उन्होंने ना अपना एक गैटअप किया कैदी का चिट्टे वाल किए हुए कैदियों के कपड़े पाए तो कहें जी चाचा जेल चो आया चाचा जेल चो आया तो चाचा जदों एंटर होया तो चाचे नूं पूरे फैसलाबाद ने खड़े होकर रिसैप्शन क्लैप की उस तो बाद ना दो तीन गल्लां कीतीआं तो लोगों ने शोर कर दिता शुरू किया जी विक्की नूं बुलाओ मेरा पहला ड्रामा सी तो मैं अंदर चला गया मैं अंदर जा खड़ा हो गया तो मैं रहा से तो इन्ना ही काफ़ी सी कि मैं अमान उल्ला वेख लिया तो दूसरा नाल काम करना तो बड़ी वड्डी गल सी तो मैं इस तरह खड़ा होकर वेख रहा तो मैं हसया नहीं करके तो मैंने कहते बड़े दंद कड़े डे डंडौने काले का मुंडा मैं डंडौने काले का मुंडा मैं तो साड़ी कमर्शियल च कम तू किया बोर्ड पिछों निकल के करना की उसकी क्लैप हुई तो अमान साहब ना उची उची हसन लग पाया मैं ना जफ्फी पा ली तो जफ्फी पा के मैंने कहते अपना यार तू तो बड़ा शरारती आदमी तू तो बड़ा विटी है तो उस तो बाद ना होटल चले गया सी होटल गए थे रात में ना होटल चो रोन लग पाए मैंने कहते विक्की मैं तेन गल दसा मेरी जिंदगी बड़े बड़े वड्डे कहता ऐसे दिन आए ने जिस मैं बड़िया इज्जत मिली है लेकिन जी मैं तेरी रात वेखी है ना मैंने बड़ी खुशी हुई है तो हूँ मैं तेरे ना ड्रामा करके चला जावगा अगले ड्रामे तेरे पैसे बच जाएंगे तो जो जो मेरे काम करेगा तेरे उदों उदे पैसे बदन गए और जिंदगी च इसे तरह ही होया जरगून मैं जो उन्होंने काम किया मेरी पेमेंट उस वे वधी वो बांह फट के खड़ी कर देंगे सन तो उन्होंने एक पेट स्टाइल से जरा उन्होंने पसंद आ जाता है जी सब तो वीडी क्वालिटी से ना अमान उल्ला खान साहब की मैं हमेशा एक गल कहना हूँ कि मैं उन्होंने ना एक्टरों के जुमरे च लैंना ना मैं उन्होंने सीनियर के जुमरे च लैंना मैं उन्होंने लैंना साइंसदान के जुमरे च क्यों इस काम का साइंसदान से तो चीज़ा ईजाद करने वाला से भाई तो वह चीज़ा ईजाद करके बहुत ज़्यादा चीज़ा बहुत सारे कुलिए दे गया इस थिएटर नूं इस थिएटर की शक्ल नूं अज पूरी दुनिया से अगर किधरे भी कॉमेडी हो रही है पंजाबी च या उर्दू च कोई बंदा भी अमान उल्ला की गल की बगैर हसा नहीं सकता तो जे को गल करेगा कहे कि मैं नवी गल की है तो मेरी अपनी गल है बिल्कुल मैं तो इस गल के उ बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि वोरी किधरे ना किधरे शक्ल जी है ना अमान उल्ला खान साहब के गल के नाल जरूर मस करके आएगी तो बाकी जिंदगी दे बहुत ज़्यादा ट्रैवल मैं उन्होंने नाल कीते ने मतलब असी यूरोप भी अमेरिका भी कैनेडा भी यूके भी फिर सब तो मुबारक जिहड़ा सफर है साडा हज दा वो भी असी इकट्ठियां कीता होया बल्कि तू भी नाल सी उस वेले तू भी असी इकट्ठियां हज कीता वाला तो माशाला अमानुल्ला साहब दे नाल मतलब कोई एक दिन की याद नहीं कोई दो दिन की याद नहीं डे वन तो लैके मतलब अज की रात तक जो आपस गल कर रहे पे हैं उन्होंने नाल यादा ही यादा ने अमानुल्ला साहब के नाल ते ऐसा नडर भाई ऐसा क्रिएटिव भाई और मैं उन्होंने बारे कहना चाहता थिएटर के उत्ते ना वो किसी को डरते सन ना वो किसी को सड़ते सन दो क्वालिटियां बड़िया वड्डिया सन तो हर आने वाले जूनियर वास्ते वह इस तरह का पुल का किरदार अदा करते सन कि यार फटाफट कुछ ना कुछ बन जाए तो बन भी जाता सी बंदा तो क्रिएशन वेरिएशन उन्होंने रिसर्च उन्होंने मतलब कॉमेडी च फलसफा बोलना उन्होंने स्टोरी समझाना मतलब एक एक चीज मतलब साढ़े को वर्ड नहीं बन सकते जो काम कर गए जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं बड़ा तो अड्डा ट्राली दे हरन वर्गा मुंह है भाऊंगा 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 तेरे अबू ये गल कहंदे हुंदे सन मैनू अमूमन मैनू जुगत मैनू कहंदे तेरा पोला जिया मुंह है तेरे मुंह ते जुगत नहीं हो सकदा ओसदा लगया मैनू बंद मुट्टी हुंदी है वाह वाह क्या कहने वाह रे वाह क्या वाह रे वाह क्या कहने कमेटी खाण वाली आंटी हुंदी है वाह रे वाह हुण सानू इत्थे तायर नौशाद साहब मिले ने इन्हां नाल गल करांगे मैनू हुणे भी याद है मेरे बचपन च एक ड्रामा आया सी इन्हां दा एक तेरा सनम खाना उहदे विच इन्हां ने नशई दा रोल कीता सी ते मैनू हुण दसो किन्नी वारी तुसी नशई दा रोल कर रहे हो ऐ पढ़ो जरा
काफ़ी बारी नशेई का रोल कर रहे हैं क्योंकि वह ड्रामे मैंने सुहेल अहमद साहब ने जो बुलाया तो उस तो मेरे तो पहले दो तीन लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि नशेई का रोल जो मैंने बुलाया तो मैंने कहा नशेई का रोल मैं जी नशेई फीम खाने वाला करना चरस पीने वाला करना बूटी पीने वाला करना उन्होंने कहा यार देखो ए टैक्निकल गल है कि हर नशेई जोड़ा हर नशा है जोड़ा ना वो एक अलहदा फीलिंग है तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि यार ये पाउडर पीने वाला करना तो मैं क्या अच्छा जी पाउडर उन्होंने कहा जी ठीक है तुम ये करो वो ड्रामा एडा अच्छा गया कि उस तो बाद काफ़ी बारी मैं कहा गया कि जी नशेई का रोल करना तो बड़ा अच्छा रहा ड्रामा वो भी अमानुल्ला साहब सन अमानुल्ला साहब उस मेन रोल लीड कर रहे सन बड़ा अच्छा गया सी वो ड्रामा बाकी ये वे कि अमानुल्ला साहब एक ऐसे फनकार होए ने उन्हों तो बगैर ड्रामा होंगे ही नहीं सी सारी दुनिया को पता तो अज मैनू अमानुल्ला साहब की वो गल याद आ रही है कि एक प्रोड्यूसर बैठे सन बड़े मशहूर प्रोड्यूसर सन उस दौर दे ते असी नवे नवे आए सा ते मैं कमरे दे विच वड़िया ते अमानुल्ला साहब बैठे ने ते प्रोड्यूसर बैठे ने ते प्रोड्यूसर ने मैनू बड़ी बदतमीजी नाल चाड़ के चलो ए बाहर चलो ते मैनू अमानुल्ला साहब ने वापस बुलाया ते प्रोड्यूसर नू कहंदे ने कहंदे यार तुसी एक गल ज़हन च रख्या करो आ जिहड़े नवे स्टगलीए मुंडे आंदे ने इन्हां दी कदर करिया करो इन्हां नाल प्यार करिया करो क्योंकि एक टाइम ऐसा आता कि फिर तुसी उन्हां दे कोल ही डेट लैन जांदे हो तो वो मैनू जिवें हुण विक्की साहब कह रहे सन ना कि साइंसदान ये एक मैं उन्हां नू पछीन कोई भी उन्हां दी ऐसी ऐसी होई है कि जो उन्होंने कहा उ ही होया तो उ बंदा फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं ड्रामा कर रहा सा तो मेरे को आया उन्हें कहा मैं गुजरांवाले ड्रामा करना मैनू पता लगे तेरे तो बगैर ड्रामा नहीं हुंदा यार उत्थे ते मैं वड्डी कास्ट भी पाई है तो मैनू हर बंदे ने कहा ताहिर नौशाद नू रखो तो लिहाजा पुत्र मैं तेरे को आया मैनू डेट दे ते मैनू याद आया तो मैं तो चुप कर गया तो उन्हें खुद ही गल छेड़ ली उन्हें कहा यार तैनू याद है अमानुल्ला ने कहा सी कि कदर करिया करो अज मैनू एहसास होया वाकई कि आने वाले फनकारा की कदर करनी चाहिए अमानुल्ला साहब बड़ी वड्डी दुनिया सन तो मैं कोई जगह तो कर लाओ कोई चंगी जी पता लगे कोई ताहिर साहब दे कोल आए कोई तो जुगत करो सारे बेटा तू साडी बच्ची है तैनू हुण जुगता कर दे असीं ते तेरे वाल साहब कोलों जुगता सिखियां ने ते बाकी चाइना चाइना दी लैची हुंदी है मैं इस तरह भी कह सकना लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा तेन जोत करन ते तू नाल कर भी दित्ती नाल तू मेनू कर तू मेनू नहर च लाशा लब्भण वाले आ नहर नहर दे बंदे ना धुप्पे बैठ के मूली खा रहे हुंदे ने वारे वाह ते बेटा होर मूली केड़े छावे बैठ के खाई धुप्पे बैठ के सकदे कमीज दा रंग वेखो जिविंदा बणे ने अपने वाला वारे वाह जुगत कर लैन भुल गई जी मैं लिखी पंजाह रुपये वाली घड़ी होंगी सारिया कच्चिया मैं होर लो चार मजबूरन पहले करते लई चैनल दी वजह तो मैं चुप हो गया मैं ए ना सोची मैं चैनल दी वजह तो आया मैं अमानुल्ला साहब दी वजह तो आया मजबूरी पुत्र तू साडी धी है अल्लाह खैर करे वगरना अमानुल्ला साहब ऐसे बंदे हुए ने उन्होंने तो आने वाले लोगों का ही जेदा हाथ खड़ा किया बंदा हिट हो गया तो साडी दुआ है कि जरगोन बेटा तू इन्नी कामयाब होवें बाकी आ हुण इंटरव्यू है ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜੋਤ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਕੀ ਅਮਾਨ ਪਾਉਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੂੰ ਸ਼ਕਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੀ ਅਮਾਨ ਪਾਉਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁੰਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਇਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਲਾਮ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
खरगोश होंदा बिलकुल सही है लेकिन मैं इन जुगतां शुगतां तो नहीं आनी है लेकिन यह कि जो रिहर्सल वगैरह कोई आँदी ड्रामे की तो फिर उदो जो प्रॉपर तरीके करी फिर कर ली दा कोई चंगा जहा कोई गाने सुना दो सताई अंतरा कोई चंगा जहा कोई मेरा फेवरेट गाना ठीक है मेरा वॉइस भी इन्ना कोई अच्छा नहीं है कोई सुर नहीं है मेरे चलो पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बत पा के मैं लुटी गई मैं लुटी गई सोने आवे मैं लुटी गई माशाल्लाह इत्थे बहुत गर्मी है मैं पा लाना तो बेहतर है सानू इत्थे इक होर सोहणी जिही खंड वर्गी कुड़ी मिली है इन्हां नू भी असी कोई गल्लां करांगे कोई गलबात करांगे मैनू पछाण दिओ मैं कौन हाँ दिमाग का कुछ इस्तेमाल करो कोई पता लगे आर्टिस्ट को माशाल्लाह पतीसा होंदा मेरे ख्याल से तो मेरी नज़र में तो यही है कि अगर इंसान अच्छे अखलाक से और अच्छे तरीके से रहे तो अल्लाह ताला बहुत इज्जत से नवाजता है और अगर इंसान में मगरूरी आ जाए तो वो फौरन घट जाती है। हाँ यह गल तो मेरे वाले साहब भी करते सन बिल्कुल तुसी बजा गल फरमाइए। अच्छा कभी शीशे के अगे खलो के नचे हो कले बिल्कुल तनहाई च की यहोजी शरारत करते हो मगर तनहाई च नहीं वो अक्सर हमारी परफॉर्मेंस शीशे के आगे यानी कि हम करके तो फिर स्टेज पे आते हैं नहीं जो कलिया हो की कर दे लुक के लोगों को बस जी हरकत कले कले करना पसंद कर दे ऐसी कोई हरकत नहीं सारा कुछ इधर ही हो जाता चलो बड़ा मजा आया ये बताए आपने कहा मिठी जी कुड़ी तुसी मैंने चक के वेख्या है चंगी गल सी नहीं शक्ल तो मैं क्या माशाल्लाह अखा वेखो किनिया सोहनिया ने अखा माशाल्लाह ये आपका प्यार है तो जिंदगी रही तो दोबारा मिलांगे ठीक है माशाल्लाह की कहवा हूँ मैं की कहवा हूँ मैं सबीन खान चलो मैं एक होर गल दसो कि शायद जी फौरन ही मुक जाती है फौरन खत्म हो जाती है दसो केड़ी शायद हो सकती है ये तो मेरा एग्जाम ले रही ना दिमाग ना मैं आप नहीं पता